नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए एक महीने भर से तैयारियां कर रहे हैं और एंड टाइम पर आपको संदेश आए कि आपकी यात्रा कैंसिल हो गई है तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपका पारा चढ़ जाएगा या जिसने आपकी यात्रा में खलल डाला है उसको जमकर गरियाओगे या कोसोगे, क्योंकि आपके दिमाग में उस यात्रा को लेकर क्या दृश्य चल रहा होगा उसके बारे में शायद आपसे अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। सोचिए, अगर यात्रा करने वालों में बुजुर्ग ही हो तो उन पर क्या बीतेगी। हो सकता है कि उन बुजुर्गों की हाई यात्रा कैंसिल करने वालों पर लग जाए। इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 4000 बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए चलाई गई तीर्थ दर्शन योजना की 5 ट्रेनों को अचानक से लाल झंडी दिखा दी, यानी कि उन्हें रोक दिया। बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रही कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों से वरिष्ठ नागरिकों को वैष्णो देवी, रामेश्वरम, तिरुपति, काशी और द्वारका धाम की यात्रा का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन 2 दिन पहले ही ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद प्रदेश के वृद्ध तीर्थयात्री सदमे में पड़ गए। अब आप सोच सकते हैं कि कमलनाथ सरकार को 4000 बुजुर्गों की कैसी हाय लगेगी, यानी जब वादों को निभाना नहीं आता तो फिर फिजूल का वादा क्यों करना। बता दें कि राज्य सरकार के अध्यात्म विभाग ने भोपाल से 15 फरवरी को वैष्णो देवी के लिए रवाना होने वाली तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को निरस्त करने का फरमान रेलवे को जारी कर दिया। इसके अलावा इंदौर से काशी गया जाने वाली और खंडवा, बुरहानपुर जिलों के यात्रियों को लेकर द्वारका धाम जाने वाली ट्रेनों को भी लाल झंडी दिखा दी गई। ग्वालियर चंबल संभाग के यात्री रामेश्वरम, मदुरे जाने को तैयार थे। रतलाम से यात्रियों को लेकर वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन को भी एकाएक निरस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक IRCTC पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को विशेष ट्रेनों से यात्रा करा रहा है। जुलाई से दिसंबर 2019 तक मध्य प्रदेश से 23 ट्रेनें चलाई गई। इस पर खर्च हुए 17 करोड़ रुपए का भुगतान अभी होना बाकी है। 15 से 26 फरवरी के बीच चलने वाली 5 ट्रेनों पर करीब 8 करोड़ का खर्च अनुमानित था। यात्रियों का चयन और सभी तैयारियां हो चुकी थी, यहां तक कि संबंधित क्षेत्रों में ट्रेनों के रूट तय हो चुके थे, बसें, होटलें और खाने की व्यवस्था भी तय हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कमलनाथ सरकार ने बुजुर्गों को धोखा दे दिया। इस बात को लेकर जब कमलनाथ सरकार की किरकिरी शुरू हुई तो उनके ही मंत्री ने ऐसी सफाई दी कि जो उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल कमलनाथ सरकार के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने तीर्थ दर्शन योजना को फालतू की योजना बताते हुए तीर्थ स्थल जाने वालों के श्रद्धा भाव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग बिना श्रद्धा के तीर्थ स्थलों पर तफरी करने जाते हैं और ऐसी योजनाएं विकास के बजाय सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए शुरू की गई हैं। अब उन्हें बंद किया जाना चाहिए। खैर, मंत्री जी को सफाई देनी थी तो ढंग से सफाई दे देते, लेकिन जो उन्होंने सफाई दी है शायद वो बुजुर्गों का अपमान जरूर है। वैसे मध्यप्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने कई बड़े बड़े वादे किए थे, जहां सबसे पहले बड़ा वादा प्रदेश के किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने का किया था, जिसे कमलनाथ सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही 10 दिन के अंदर ही किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। खैर, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि जो शिवराज सरकार में प्रदेश के हर तबके के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी उन्हें कमलनाथ सरकार एक के बाद एक बंद जरूर करती जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश के लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जहां तत्कालीन शिवराज सरकार की ओर से किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना चलाई गई थी, जिस पर अब कमलनाथ सरकार ने ब्रेक लगा दिया है, तो वह बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए चलाई गई तीर्थ दर्शन योजना पर भी रोक लगा दी है, जो ये साबित करती है कि बड़े बड़े दावे करने वाली मध्य प्रदेश के कंगाल कमलनाथ सरकार के बस की कुछ नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।